हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखें, आज का दिन भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि आज है कैनेडा डे और ये हमारा 4 साल में फर्स्ट समर है जो कि हम कैनेडा में हैं। और इस समर में काफ़ी मतलब इवेंट्स हो रहे हैं। अभी हमें आकर पता चला कि समर यहाँ पे कितना ज़्यादा इंजॉइंग रहता है। तो हम लोग बस कैनेडा डे के लोकेशन पर आ गए यहाँ। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यंग या किड्स हों, बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे। लोग व्हील चेयर से भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। और इतना मल्टी कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको हर कंट्री का बंदा, हर कंट्री का यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ कनाडा की जो डाइवर्सिटी है वो सच में काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको इवन आप बच्चों की, अगर बच्चों की एक क्लास है तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 5-6 कंट्री या 8-10 कंट्रीज़ के बच्चे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कुछ इतना अलग नहीं लगता कि हम लोग अलग मुल्क से हैं या हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। ये लोग काफ़ी अच्छे से आपका वेलकम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को फ्लैग हो गए, टैटूज हो गए, ये फ्री में मिल रहे थे, तो बच्चे अनलिमिटेड ले रहे थे। और यहाँ पे सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा थी। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे बच्चों की कमर पे टैग लगा दिया गया था, उसमें पुलिस के फ़ोन नंबर वगैरह थे, इन केस अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो वहाँ पे आप जाके उनको रिपोर्ट या उनको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको लाइव म्यूज़िक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इतने पब्लिक प्लेस पे जाके कैमरा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि लोगों के फेस या उनकी बॉडी ना आए। बस एटलीस्ट ये है कि जो मुझे कवर करना है वो कवर हो जाए, बाकी सब कुछ ऐसा मुझे नहीं करना। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लाइव म्यूज़िक काफ़ी अच्छा। मतलब ये लोग, मैं सोच रही थी एक ही टीम थी, एक ही बैंड था जो कि रेगुलरली नए नए सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे, और उनकी एनर्जी क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थी। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, देखिए पूरी पूरी फैमिलीज, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, बच्चे सभी आए हुए थे यहाँ पे। तो हम लोग भी अपना कुछ हल्का फुल्का खाना ले गए थे, बैठने के लिए चेयर ले गए थे। तो हम लोग, लेकिन 5 नहीं, हम लोग पहुँचे 7 बजे, और यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि सुबह से आए हुए थे। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और मतलब होता है ना, बच्चे बोर हो जाएं वो नहीं, बस सब लोग फायरवर्क का वेट कर रहे थे। फायरवर्क 11 बजे के बाद स्टार्ट होना था। तो बस यही है कि फ़र्स्ट टाइम हमारा कैनेडा डे सेलिब्रेशन था, तो हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ होगा, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो चले, मैं अब आपको यहाँ का लाइव म्यूज़िक दिखाती हूँ, और देखें आपके लोग कितने मज़े में एकदम मस्त होकर नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। My confidence is leaking to be close to you tonight. जैसे
जैसे जैसे शाम होती जा रही थी तो यहाँ पे क्राउड और ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग और ज़्यादा आ रहे थे। और देखिए शाम कितनी अच्छी होती जा रही है, अब सनसेट होने लगा है और लोगों को बस रात का इंतज़ार था कि जल्दी से 11 बजे और फिर फायरवर्क स्टार्ट हो। तो बच्चों को मैं इधर पार्क की साइड ले आई थी थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा और इंगेज रहें। तो बस देखें बच्चे अपना यहाँ पे आकर बिज़ी हो गए और सबने काफ़ी इन्जॉय किया। ओवरऑल ये था कि अच्छा सेलिब्रेशन रहा, एक आउटिंग भी हो गई बच्चों की और हम लोग को भी था कि फर्स्ट टाइम है तो चलकर देखते हैं क्या होता है। तो देखें 11 बजने वाले थे और 2-3 मिनट पहले सारी लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी गई क्योंकि फायरवर्क स्टार्ट होने वाला था। तो बस, और आप देखें ये जो येलो ब्राइट जैकेट में है, ये पूरी सिक्योरिटी है जो कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बस देखें ये फायरवर्क स्टार्ट हो गया और काफ़ी अच्छा था, स्काई में काफ़ी अच्छी अच्छी लाइट्स जो हैं वो देखने को मिल रही थी। और ये इसी तरह से था जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे सेलिब्रेशन होता है, इसी तरह से ये यहाँ पे देखने को मिला। बस इनका जो है वे ऑफ सेलिब्रेशन वो थोड़ा डिफरेंट है, सेलिब्रेशन होता है। लोग निकले थे 11:30 पे यहाँ पे और पार्किंग इतना ज़्यादा बिजी था, पूरे रोड बिजी थे, तो हमें घर आते आते 1 बज गया। तो चलिए आप लोग फायरवर्क एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, सी यू।